राज्य में 5 उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पूरी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके सभी सराहना कर रहे हैं। ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना गया है। मालागुंडला शंकर नारायण अनंतपुर के पेनुगंडा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। वे करुबा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की है। शेख अमजद पाशा कड़पा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। ये मुस्लिम BC समुदाय से जुड़े हैं। वैश राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में कॉपीराइटर रहे। गुम्मनूरु जयराम कर्नूल जिले के आलूर विधानसभा सीट से चुने गए हैं। मछुआरा BC समुदाय से जुड़े हैं। किसान समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं से एक है। बुग्गन राजनाथ रेड्डी, यह नेता रेड्डी समुदाय से जुड़े हैं। लगातार 2 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। कर्नूल जिले के डोन विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने BTEC की पढ़ाई पूरी की है। कलतूरु नारायण स्वामी गंगाधर नेल्लूर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। वे लगातार 3री बार यहां से विधायक चुने गए हैं। यह नेता SC माला समुदाय से नेता के रूप में मशहूर है। पेद्दिरेड्डी रामचंद्रा रेड्डी चित्तूर जिले के पुंगनूर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। चित्तूर जिले में YSRCP के कटवारा नेता है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पेद्दिरेड्डी रामचंद्रा रेड्डी ने चित्तूर जिले में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेकअप पार्टी गौतम रेड्डी नेल्लूर जिले के आत्मकुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। ये रेड्डी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पल्लू बोइना अनिल कुमार यादव नेल्लूर सिटी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने नारायणा शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख नारायणा को हराया था। आदि मुल्प सुरेश प्रकाशम जिले के एलोगोंडापालम से विधायक चुने गए हैं। इसी मादिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। बलिनेनी श्रीनिवास रेड्डी प्रकाशम जिले के ओंगोल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। ये लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। YSR के करीब नेताओं से ये बताया जाता है। YSR के बाद उन्होंने जगन मोहन रेड्डी का साथ दिया। मोपीदेवी वेंकट रामन गुंटूर जिले के YSR के कार्यकाल में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। वे मछुआरा BC समुदाय से जुड़े हैं। इस बार फिर से YS जगन मोहन रेड्डी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मेघतोती सुचरिता यह नेता गुंटूर जिले के प्रतिपाड़ू विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुई है और SC माला समुदाय से जुड़ी है। पेरनी नानी वेंकट रामैया पेरनी नानी कापू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कृष्णा जिला के मछलीपट्टनम विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। कोडाल नानी वैश्य समुदाय से जुड़े हैं और वो कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। तानेटी वनिता उन्होंने पश्चिम गोदावरी जिले के कोवूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। वो SC मादिगा समुदाय से जुड़ी है। चेरुकुवाड़ा श्रीरंगनाथ राजू पश्चिम गोदावरी जिले के अच्छंटा से विधायक निर्वाचित हुए हैं और वह क्षेत्रीय समाज से जुड़े हैं। उन्होंने अब तक 2 चुनाव में 2 मंत्रियों को हराया है। आला नानी पश्चिम गोदावरी जिले से ताल्लुक रखते हैं। येलूर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। वे कापू समुदाय के नेता हैं। पी विश्वरूप पूर्व गोदावरी जिले के SC माला समुदाय से जुड़े हैं। पी ने भी विश्वरूप गोदावरी जिले के अमलापुरम से चुनाव जीते थे। धर्माना कृष्णादास पोलिनाटी वेलम समुदाय से आते हैं। वो श्रीकाकुलम जिले की नरसनपेट विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। बोत्स सत्यनारायण तुर्पु कापू समुदाय से हैं। वह विजयनगरम के चीपुरपल्ली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। पामुला पुष्पा श्रीवानी SC समुदाय से आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HYD TV।